Yes, students, in this chapter, in the story of Zimbabwe, first of all, you have to note down the leader of the party. यहाँ पे जिम्बाब्वे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी, उसका नेम क्या, जेड से याद रखो, जेड ए एन यू पी एफ, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, दैट इज द नेम ऑफ द पार्टी, जेड ए एन यू पी एफ, जेनू पी एफ वॉज द नेम ऑफ जिम्बाब्वे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी थी, सेम ऐसा ही जैसे आपने मेक्सिको की पी आर आई पार्टी पढ़ी है, इसी तरह से जिम्बाब्वे की जो पार्टी, उसका नेम क्या है, जेड ए एन, कैपिटल में लिखोगे ये जेड ए एन यू पी एफ, जेनू पी एफ, इस पार्टी के लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे। जैसे आपको याद होगा, व्हेन आर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस, एट दैट टाइम कांग्रेस पार्टी वॉज देयर, एंड कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्राइम मिनिस्टर बने। इसी तरह से जिम्बाब्वे कंट्री भी जो थी, दैट वॉज यू कैन से अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाइट पीपल, एंड दे गेन्ड फ्रीडम इन विच ईयर 1980, ईयर याद रखो 1980, दिस कंट्री गेन्ड फ्रीडम और इंडिपेंडेंस इन 1980। 1980 में कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए, इन इलेक्शंस में जैसे हमारी कंट्री में इलेक्शंस करवाए गए थे, और कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। ऐसे ही जिम्बाब्वे पार्टी में भी, जेनू पीएफ पार्टी का नेम याद रखो, 1980 में इस कंट्री को फ्रीडम मिली, एंड रॉबर्ट मुगाबे ही वॉज अ लीडर ऑफ दिस, एंड दैट्स वाई ही बिकेम द रूलर ऑफ द कंट्री, यानी कि वो कंट्री के क्या बन गए, प्रेजिडेंट। पर प्रॉब्लम क्या हुई, वंस ही वॉज इलेक्टेड, ही गॉट इलेक्टेड फॉर द होल ईयर, फॉर द होल टर्म, इसका मतलब है कि 5 साल के बाद वो नहीं चाहते थे कि उनको चेंज किया जाए, और इसीलिए कंट्री में इलेक्शंस करवाए जाते थे, बट ऑलवेज दिस पार्टी वन द इलेक्शंस, वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स, एंड रॉबर्ट मुगाबे ही ऑलवेज इलेक्टेड, वो हमेशा इलेक्ट होते थे। अब रीजन क्या होगा, आपको पता ही होगा, अनफेयर प्रैक्टिस, जैसे आपने मैक्सिको के केस में पढ़ा था, एक रिप्रेजेंटेटिव 5 ईयर्स के बाद फिर से रीइलेक्ट हो सकता है, चलो मान ली फिर से, यानी कि 17 ईयर्स तक ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, वो कंट्री के प्रेसिडेंट रहे 17 ईयर्स तक। इसका मतलब क्या है, कंट्री में इलेक्शन जो थे वो डेमोक्रेटिक नहीं होंगे, एंड अल्टीमेटली उनको उनकी पोस्ट से हटाने के लिए लोगों ने जो है काइंड ऑफ रिवोल्ट जो है वो किया, ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिप्रेजेंट। हमारी कंट्री में तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होते गए 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद अगर आप लिस्ट देखोगे ना, तो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ। अब रीजन क्या आपने बताना है, नंबर वन, अनफेयर प्रैक्टिसेस, जिस कंट्री में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, रीजन क्या होता है, राइट डाउन, ड्यू टू अनफेयर प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, शायद लोगों ने जिनको वोट किया वो रिजल्ट जो है वो लोगों के सामने नहीं आया। नंबर टू, टीवी एंड रेडियो टोटली कंट्रोल्ड बाय द पार्टी, मीडिया वॉज टोटली कंट्रोल्ड बाय द पार्टी। थर्ड, फ्रीडम ऑफ पीपल वर नॉट ग्रांटेड, यानी कि लोगों को जो फ्रीडम दी जाती है ना वो शायद नहीं दी गई, लोग अपोज नहीं कर पाए पार्टी को, और यही एक रीजन है कि रॉबर्ट मुगाबे जो है जिम्बाब्वे में 3 साल उन्होंने रूल किया। रीजन क्या है, नो डाउट इलेक्शन होते थे, पार्टी सेम रहती थी, रिप्रेजेंटेटिव भी सेम रहता था, इलेक्शन जरूर होते थे। अब मे भी हो सकता है कि लोग किसी, अगर और भी पार्टीज थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी थी, स्मॉल पार्टीज वर देयर, बट दीज पार्टीज नेवर मैनेज टू विन द इलेक्शंस। तो कई बार क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक, कहने को जिम्बाब्वे जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में मानते हैं, अगर आप नेट पे सर्च करोगे ना तो लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो जिम्बाब्वे का नाम भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक पार्टी का रूल ज्यादा है, मेजोरिटी है, हमेशा रॉबर्ट मुगाबे ही इतने साल तक उन्होंने रूल किया, अगर लोगों ने अपोज भी किया होगा तो लोगों की जो विल है, पब्लिक ओपिनियन है, उसको उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज नहीं किया होगा। सो दिस इज द रीजन।
ये तो हो गई आपकी ऐसी कंट्रीज जो कहने को डेमोक्रेटिक हैं लेकिन 100% डेमोक्रेटिक की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करती। नाउ देयर इज अनदर लिस्ट ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, हमने उनका बताना है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन कौन सी हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, सऊदी अरेबिया, अभी ये स्पेशली नॉन डेमोक्रेटिक में आएगा। सपोज मैं आपसे ये पूछती हूँ कि राइट एनी वन नेम ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सऊदी अरेबिया जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। नंबर वन, दिस इज नॉट सेकुलर, ये कंट्री सेकुलर नो, सेकुलर नहीं है। नंबर टू, वोटिंग, अगर वोटिंग की बात की जाए तो वोटिंग क्राइटेरिया जो है यहाँ पे वेमेन को स्पेशली पहले वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, तो नो राइट टू वुमेन। ठीक है, नंबर वन सेकुलर नहीं है, नंबर टू नो राइट टू वुमेन, नंबर थ्री नो रिलीजियस फ्रीडम टू अदर कम्युनिटीज, यानी कि सऊदी अरेबिया में जो और कम्युनिटीज है, सपोज इंडियंस भी जाते हैं जो भी हैं, उनको किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स या रिलीजियस फ्रीडम नहीं दी गई, नो रिलीजियस फ्रीडम। इलेक्शंस होते हैं कंट्री में, नो, व्हाई, रीजन क्या है, वहां पे हेरिडिटरी रूल है। हेरिडिटरी रूल का मतलब क्या होता है, जो प्रिंस है वहां के उनकी फैमिली ही आगे जो है वो वहां के मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है काइंड ऑफ किंग कह लो, है ना, तो वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, नो इलेक्शंस। और कितने रीजन बता सकते हैं सऊदी अरेबिया के, टीवी एंड मीडिया नेवर अपोज द प्रिंस एंड हिज फैमिली, यानी कि जो सऊदी अरेबिया के जो रूलर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको कभी भी अपोज नहीं करते। क्या कभी आपने सुना कि दुबई के लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं? नहीं, है ना। रीजन क्या है कि वहां पर लोगों को रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, और इवन पीपल कांट अपोज बिकॉज वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे क्या है, हेरिडिट्री। हेरिडिट्री का मतलब होता है फादर आफ्टर सन, यानी कि फादर के बाद उनके जो बेटा है वो ही रूल करता है। तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं अरेबियन कंट्रीज, वहां पे अभी भी इलेक्शंस नहीं होते हैं, और अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो किस लिस्ट में आती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। एक और, हाँ जी हाँ जी, किसमें? नहीं, वो नहीं, हमने तो मेन फीचर्स बताने डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, नो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टोनिया, ये भी बेटा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में ही है। एस्टोनिया, यहाँ पे आप लिखोगे एस्टोनिया जो कंट्री है ये डिस्क्रिमिनेशन करती है, नॉन डेमोक्रेटिक है। क्यों? एस्टोनिया में कुछ रशियंस भी रहते हैं, ठीक है, एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कुछ रशियंस भी रहते हैं, लेकिन इस कंट्री की गवर्नमेंट ने रशियंस को वोटिंग राइट जो है वो नहीं दिए, नो वोटिंग राइट टू रशियंस। इसका मतलब रशियंस के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन करती है। एक ऐसी कंट्री है एस्टोनिया जहां पे ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है जो यहाँ के बॉर्न सिटीजन्स हैं, इसके अलावा रशियन लोग जो वो भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन एस्टोनिया की जो गवर्नमेंट है वो रशियन लोगों को वोटिंग राइट नहीं देती है। इसका मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ को वोटिंग राइट मिलता है कुछ को नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो रशियंस है इसलिए उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो ये रीजन है कि एस्टोनिया भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में है। ठीक है, थर्ड एक और एग्जाम्पल है फिजी, फिजी भी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की लिस्ट में है। ये तो टोटली डिफरेंट है, फिजी का जो है स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है। रीजन क्या है, फिजी, FIJI, फिजी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ के बॉर्न सिटीजन होते हैं ना, अगर वो वोटिंग करते हैं तो उनके वोट की वैल्यू डबल, यानी कि अगर ओरिजिनल, यानी कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है ना, जो यहाँ के बॉर्न सिटीजन हैं, अगर वो वोटिंग करेंगे तो उसकी एक वोट जो है वो दो के बराबर मानी जाएगी। और जो दूसरे, सपोज इंडिया से कोई गया है, अगर इंडियन है और अब वो वहीं पे रह गया है, वो वहां का सिटीजन है लेकिन उसकी नेशनैलिटी इंडियन है, वो इंडियन फिजी माना जाएगा, और अगर वो वोट करेगा तो उसके वोट की वैल्यू सिंगल। इसका मतलब होगा जब भी कंट्री में इलेक्शन होंगे, ठीक
ठीक है, कंट्री में इलेक्शंस हो गए, अगर इंडियन फिजी भी जो है इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहे हैं तो दे विल नेवर एबल टू विन द इलेक्शंस, क्योंकि मेजोरिटी हमेशा किसकी होगी, जो वहां के बॉर्न सिटीजंस हैं, जो इंडियंस नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर इंडियंस नहीं है तो उनको कभी जो है सोसाइटी में इक्वालिटी भी नहीं मिलेगी, और ये जो है ये तो बहुत ही गलत है। सपोज अगर इंडिया में ऐसा होता, अगर रिलीजन के बेसिस के ऊपर ये कहा जाता कि जो हिंदू मेजोरिटी है वो वोट करेंगे तो उनकी वोट की वैल्यू डबल मानी जाएगी, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी है वो वोट करेंगे तो उनका वोट एक ही माना जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ वोट्स किसका ज्यादा होगा, हिंदू मेजोरिटी का, और जो गवर्नमेंट है वो भी उनकी बनेगी, रिलीजियस जो है वो डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगी। तो फिजी जो है दैट इज नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, व्हाई, बिकॉज इन दिस कंट्री ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है, जो यहाँ के बॉर्न सिटीजन होते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट इज डबल, अगर वो वोट करेंगे तो उनका एक वोट दो माना जाएगा। सपोज अगर मैं ये कहूँ कि बेटा आपकी क्लास है बॉयज एंड गर्ल्स सारे बैठे हैं, और मैं गर्ल्स को ये एक अलग से स्पेशल पावर दे रही हूँ कि आपकी जो है वो क्लास का एक मॉनिटर हमने चुनना है ना, एक बॉय हो और एक गर्ल, तो मैं बोलूंगी कि गर्ल्स जो है ना इनका अगर एक वोट है तो डबल और ट्रिपल माना जाएगा, ठीक है। तो सारी गर्ल्स गर्ल्स को वोट करेंगी तो ऑटोमेटिकली कौन मॉनिटर बनेगा, कौन बनेगी, गर्ल, ठीक है, क्योंकि बॉयज की मैंने क्या किया, जो वोटिंग लिमिट थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दी, और गर्ल्स की वोटिंग जो लिमिट थी उसको मैंने इंक्रीज कर दी, तो दैट इज अ डिस्क्रिमिनेशन। और जहां पे डिस्क्रिमिनेशन है, वोटिंग के लिए डिस्क्रिमिनेशन है, वो कंट्री कभी भी डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकती। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट फिजी इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अब अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि बेटा टेल मी द नेम्स ऑफ एनी थ्री डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इंडिया नंबर टू, USA नंबर थ्री, साउथ अफ्रीका, ठीक है। और अगर मैं ये कहती हूँ कि बेटा टेल मी द नेम ऑफ थ्री नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी, बाकी जो कंट्रीज पड़ी है ना आपने, पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको या जिम्बाब्वे, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। मैं अगर मैं ये पूछ लूं कि बेटा टेल मी द नेम्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो आपने इंडिया, USA एंड साउथ अफ्रीका का नेम बताना है। और पाकिस्तान, जिम्बाब्वे जैसी जो कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक, ये ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने एक और चाइना की, वैसे हमने कंट्री पढ़ी है तो चाइना का मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रही हूँ, और इसको कंपेयर करेंगे इंडिया के साथ। चाइना में एक पर्टिकुलर जो है वो टाइम पीरियड था 1958 to 1961, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो था वो चाइना के लिए ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के लिए ये बहुत ज्यादा वर्स्ट ईयर्स थे। वर्स्ट ईयर्स जैसे हम ये कहते हैं ना कि कोविड का टाइम पूरे वर्ल्ड के लिए वर्स्ट टाइम पीरियड माना गया पेंडेमिक, ऐसे ही 1958 से लेकर 61 का जो टाइम पीरियड था, चाइना या इंडिया या वर्ल्ड में बाकी कई ऐसी कंट्रीज थी जिन कंट्रीज में फेमाइन का मतलब क्या होता है, जब शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल एंड शॉर्टेज ऑफ फूड अकर ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, द ईयर 1958 to 1961, ये 2-3 years ऐसे थे जो इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना के लिए बहुत ज्यादा वर्स्ट ईयर्स माने गए हैं। रीजन क्या था, फेमाइन अकर एंड इन दिस शॉर्टेज ऑफ फूड, ड्यू टू दिस 3 crore पीपल डाइड ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन चाइना, नॉट ओनली इन इंडिया, 3 crore पीपल डाइड, पूरे वर्ल्ड की बात करें। ऐसे में इंडिया और चाइना की एग्जाम्पल जो है वो मैं क्यों बता रही हूँ, इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और चाइना में सिर्फ वन पार्टी नेशन, नंबर ऑफ पीपल दैट डाइड इन इंडिया वॉज लेस एज कंपेयर टू चाइना, वाई, बिकॉज इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी बहुत स्ट्रांग थी, एंड ऑपोजिशन पार्टी जहां पे होती है ना तो रूलिंग पार्टी के ऊपर हमेशा प्रेशर होता है, वो क्या करते हैं, बहुत सी उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट की ताकि लोगों को फूड प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज, और अलग अलग एरियाज में जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया, क्योंकि रूलिंग पार्टी को ये डर होता है कि ऑपोजिशन पार्टी जो है अगर हम नहीं करेंगे तो ऑपोजिशन पार्टी मीडिया में हाईलाइट होकर अपने जो है वो पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करेगी और नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट नहीं मिलेंगे। और इसीलिए इंडिया में नंबर ऑफ पीपल जिनकी डेथ हुई थी दैट वॉज लेस एज कम्पेयर टू चाइना।
चाइना में नंबर ऑफ पीपल, मैनी पीपल द डाइड ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि चाइना में एक ही पार्टी है, उस पार्टी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो पार्टी चाहे फैसिलिटीज दें या ना दें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन आपने कोविड के टाइम पीरियड में भी चाइना का देखा होगा कि अब तो मीडिया में बिल्कुल चाइना का नहीं आता ना, क्योंकि वहां पे मीडिया जो दैट इज कंट्रोल्ड बाय पार्टी। लेकिन स्टार्टिंग में आपने वुहान का जो है स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि वुहान से ये कोविड स्प्रेड हुआ था, वायरस स्प्रेड हुआ और किस तरह से। लेकिन बाद में एक ऐसी भी न्यूज आई थी कि जिसमें जितने भी लोगों को कोविड हुआ था चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको खत्म कर दिया था, कई बार ऐसी भी न्यूज आई थी क्योंकि वहां हाँ जी नहीं चाइना की भी थी ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी है, उस पार्टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना उनको कोई ऑपोजिशन है। वो पार्टी फैसिलिटीज दे तो भी ठीक है, नहीं देती क्योंकि उनको पता है कि अगर लीडर चेंज हो जाएगा पार्टी तो वही रहेगी। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होता, लोग क्या करते हैं 5 ईयर्स के लिए किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं और अगर उनको लगता है कि लीडर जो है दैट इज नॉट कैपेबल, देन दे कैन चेंज द लीडर एंड दे कैन चेंज द पार्टी ऑल्सो। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इंडिया हैज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यूएसए और इंडिया की बेस्ट एग्जांपल है, इवन साउथ अफ्रीका की, जिनकी डेमोक्रेसी जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट का मतलब होता है कि मैनी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन दीज कंट्रीज। सो दिस वाज अ कंडीशन ऑफ चाइना एंड इंडिया जिसके कारण जो है वो इंडिया में ऑपोजिशन स्ट्रांग थी और रूलिंग पार्टी जो थी वो इजिली इंडिया में इस कंडीशन को कंट्रोल कर ली, लोगों की जो भी प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कर लिया। क्लियर, एनी डाउट बेटा? चाइना में स्ट्राइक्स, एजिटेशन, रैलीज होती नहीं क्योंकि एक ही पार्टी है, अगर वो करेंगे भी तो चेंज ही नहीं करेंगे। एजिटेशन, स्ट्राइक्स, रैली सबसे ज्यादा इंडिया में होती है क्योंकि उनको पता मल्टी पार्टी कंट्री है और अगर सपोज अगर रूलिंग पार्टी नहीं मानेगी तो ऑपोजिशन पार्टी इनको सपोर्ट करेगी। यहाँ पर लोगों की जो डिमांड्स है वो ज्यादा सुनी जाती है एज कम्पेयर टू चाइना एंड अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, मैक्सिको, जिम्बाब्वे। अगर इनकी कंडीशन के साथ अपनी कंट्री की पोलिटिकल कंडीशन को कंपेयर करें ना तो आर पोलिटिकल कंडीशन इज मच स्ट्रॉन्गर देन दीज। ठीक है, एनी अदर डाउट? सो दीज वर द केस स्टडीज ऑफ दिस चैप्टर। ओके बच्चे, आपका फ्राइडे टेस्ट है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन का, एमसीक्यू बेस है, यू नो ऑल, पता बच्चे? तो मैं आज आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू बेस क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, और टर्म वन में आपका ये चैप्टर है दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। गूगल फॉर्म हाँ जी बेटा, गूगल फॉर्म पे। ठीक है, यस, सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज फ्रेंच रेवोल्यूशन। यू हैव टू नोट डाउन ऑल द एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस विच आर बेसिकली ईयर बेस्ड। जो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना उनको आपने प्रॉपरली लर्न करना है क्योंकि आपके मार्क्स हमेशा उसी से ही कटते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म वन वी हैव फिनिश्ड आवर सिलेबस, सो नाउ आई एम गोइंग टू रिवाइज फ्रेंच रेवोल्यूशन। Yes, whenever you are preparing any chapter for MCQ base, the first condition is read the chapter thoroughly, read the paragraphs thoroughly, and because each and every question will be based on that particular paragraph. MCQ doesn't mean options will be there, maybe it is a source base, match the columns, assertion and reasoning, and maybe comprehension may say aapko you have to read the comprehension and you have to find out the answers. But sometimes maybe answers are not in the comprehension, kai bar wahan pe nahi bhi hote to you have to think, aur wo tabhi hoga jab aapne chapter ko read kiya hoga. Theek hai, number one, first of all MCQs from French society. French society aapka first jo page hai French society jisme classification di gayi hai into different parts, first, second and third estate. So the important date on which Bastille was from 14 July 1789. French Revolution कौन से year में आया था? 1789. 14 July को क्या हुआ? Bastille
वॉज अटैक स्टॉर्म्ड एंड दिस वॉज द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन विच डेट, ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी बेटा, 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेट। एंड बेस्टाइल, बेस्टाइल का क्या था बच्चे, ये फोर्ट किला था कम प्रिजन जेल भी थी, जिसमें जो लोग लुई 16th को अपोज करते थे दे वर कैप्चर्ड। रूलर का नेम क्या था, लुईस 16। क्यों कहते हैं 16, क्योंकि फ्रांस जो है वो फ्रांस में ट्रेडिशन था नेम जो है नहीं बल्कि नंबर जो है ऑर्डर्स, जैसे हम कहते हैं ना चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, चंद्रगुप्ता 3, तो सीक्वेंस जो है वो इस तरह से चेंज होता था, नेम सेम रहता था। तो लुई 16, लुई 16 के बाद फिर लुईस 18, लुईस 19, इस तरह से सीक्वेंस है ना। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ना है लुई 16 रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग 14 जुलाई 1789। हु वॉज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, लुई 16, इन विच ईयर ही असेंडेड द थ्रोन, वो किंग कब बना था। अब इससे पहले जाओगे ना 1789 से पहले, कौन सा ईयर, 1774, इन विच ईयर लुई 16th ही बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस या असेंडेड द थ्रोन, 1774। ओके, जैसे हम कहते हैं अकबर फ्रॉम मुगल डायनेस्टी, तो इसकी डायनेस्टी का नेम क्या था, बॉर्बन। बॉर्बन डायनेस्टी, डायनेस्टी ऑफ लुई 16, बॉर्बन डायनेस्टी, BORBON, नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ लुई 16, बॉर्बन डायनेस्टी। देन क्वीन ऑफ लुई 16, मैरी एंटोनियो, क्वीन हु वॉज द क्वीन ऑफ लुई 16, मैरी एंटोनियो, मैरी एंटोनियो, MARIE, मैरी एंटोनियो, ANTONE, डबल टी साइलेंट है यहाँ पे, ई, मैरी एंटोनियो। नेक्स्ट, नेम द पैलेस इन विच लुई 16th लिव्ड विद हिज फैमिली। कई बच्चे बेस्टाइल को टिक कर देंगे, वो तो फोर्ट था जहां पे आर्म्स एमिनिशन जो है वो कलेक्ट किया जाता था ना। नेम द पैलेस इन विच लुई 16th लिव्ड विद हिज फैमिली, पैलेस ऑफ वर्साए, पैलेस ऑफ वर्साए, द पैलेस इन विच किंग लुई 16th लिव्ड विद हिज फैमिली। देन एट विच एज ही मैरिड मैरी एंटोनियो, 20 years, जब लुई 16 की एज 20 years थी, देन ही मैरिड मैरी एंटोनियो। अंडर लुई 16th रूल फ्रांस हेल्प हाउ मेनी कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, कितनी कॉलोनीज को हेल्प किया था। जब लुई 16th जो थे फ्रांस के रूलर थे, उन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी, और अमेरिका की क्यों हेल्प की थी, बिकॉज ब्रिटेन जो था उस टाइम पीरियड में, ब्रिटेन ने अमेरिका को कंट्रोल किया हुआ था, और फ्रांस नहीं चाहता था कि ब्रिटेन अमेरिका को जो है वो कंट्रोल करे, इसीलिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की। कितनी कॉलोनीज की हेल्प की, 13 colonies, दीज वर अंडर द ब्रिटेन, और फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की ताकि दीज कॉलोनीज शुड गेन इंडिपेंडेंस। अगेन आई एम रिपीटिंग, अंडर लुई 16th फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंट, टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। यही रीजन था ना कि फ्रांस जो था वो वॉर में बिजी रहा यूएसए के साथ, और जिसके कारण उसकी अपनी ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो गई, यानी कि फ्रांस के अपने लोगों के पास जो है, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। नेक्स्ट इज, विच कंट्री वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस, हाँ
अभी मैंने आंसर बताया आपको, ब्रिटेन. यस. विच कंट्री वॉज द कॉमन एनिमी ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस? ब्रिटेन. वट वॉज द यूनिट ऑफ करेंसी? वट वॉज द यूनिट ऑफ करेंसी ड्यूरिंग लुई 16 लिब्रे? और हिटलर के टाइम में जर्मन की क्या थी? ऐसे याद रखो ना, तभी याद रहेगा. ठीक है, लुई 16 के टाइम पीरियड में फ्रांस की यूनिट ऑफ करेंसी क्या थी? लिब्रे. जर्मन की करेंसी क्या थी हिटलर के टाइम में? मार्क, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, मार्क. ये फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने भी वैसे आपको बता रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट इज, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड? थ्री. इतना इजी है, देखो. थ्री, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. ओके, फर्स्ट एस्टेट कंसिस्ट ऑफ क्लर्जी. क्लर्जी पीपल कौन होते हैं? चर्च. चर्च पीपल, फादर जो चर्च में जो है वो वर्शिप करते हैं. ठीक है, चर्च का कंट्रोल संभालते हैं क्लर्जी. सेकंड, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी, नोबल्स. नोबल यूरोप में मिनिस्टर्स के लिए या एरिस्टोक्रेटिक पीपल के लिए टर्म यूज की जाती थी, मिनिस्टर्स. नोबिलिटी में किंग, मिनिस्टर्स एंड ऑल द एरिस्टोक्रेटिक पीपल, जिनको किंग की तरफ से प्रिविलेजेस मिले हुए थे. प्रिविलेजेस क्या थे? प्रिविलेजेस का मतलब होता है कुछ बर्थ के अकॉर्डिंग प्रिविलेजेस. इसका मतलब है कि जिसका बर्थ क्लर्जी फैमिली में होगा, वो चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट है, वो नोबल नहीं बन सकता, वो क्या रहेगा? क्लर्जी ही रहेगा. अगर जिसका बर्थ थर्ड एस्टेट में हुआ है, वो जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो या जितना मर्जी वो वर्शिप रिलीजियस हो, ना वो नोबल बन सकता है, ना वो चर्च में वर्शिप कर सकता. तो दीज वर द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ गिवन इन द फ्रांस विद द एस्टेट सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रेजिम? ओल्ड रेजिम क्या था बच्चों? ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम का मतलब होता है बिफोर 1789. 1789 से पहले सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन का जो भी स्ट्रक्चर था उसको बोलते हैं ओल्ड रिजाइम. वन मोर क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय ओल्ड रिजाइम? ओल्ड रिजाइम का मतलब होता है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789 इन फ्रांस इज कॉल्ड ओल्ड रिजाइम. सोसाइटी क्या थी? थर्ड एस्टेट, सेकंड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट. इंस्टीट्यूशन क्या था? प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर गिवन, पीपल ऑन द मेरिट वर नॉट सिलेक्टेड. लोगों को मेरिट के बेस के ऊपर, एजुकेशन के बेस के ऊपर सिलेक्ट नहीं किया जाता था, बल्कि बर्थ के बेस के ऊपर सिलेक्ट किया जाता था. तो दिस वॉज द अनफेयर कंडीशन ऑफ फ्रांस सोसाइटी एट दैट टाइम. क्लियर? यस. नेक्स्ट इज, दो टैक्स जो है वो लोगों को पे करने पड़ते थे, थर्ड एस्टेट के लोगों को. एक था टाइथ और एक था टाइल. व्हाट वॉज टाइथ एंड व्हाट वॉज टाइल? टाइथ वॉज रिलीजियस टैक्स, यानी कि हर पर्सन को पे करना पड़ता था. लेकिन किसको पे नहीं करना पड़ता था? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट. इसका मतलब है एट दैट टाइम बर्डन ऑफ टैक्सेस वर ओनली ऑन द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, जो एक रिलीजियस टैक्स था. एंड सेकंड वाज टाइल. टाइल जो था दैट वाज डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स का मतलब से इनकम टैक्स होता है. बोथ टैक्सेस वर पेड बाय द पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट. दिस वॉज द मेन, यू कैन से, काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ रेवोल्यूशन. That many people from third estate, they wanted that this unjust taxation system should be removed from the country. So this is the reason ki third estate mein bahut se log jo the middle class, ab ye next term padho kya hoti hai. Who were the middle class people? Middle class, bachche pata kya likh dete hain middle class mein na, likh dete hain first, second, third estate mein, wo likh dete hain second state. Second state kyun? Kyunki unko ye lagta hai ki first, second, third mein se second middle hai. मिडल का मतलब होता है मिडल इनकम. थर्ड स्टेट के मिडल इनकम बताना है आपने. हु वर द मिडल क्लास? मिडल क्लास वाज द एजुकेटेड पीपल अमंग द थर्ड स्टेट. यानी कि थर्ड स्टेट में जो एजुकेटेड थे, प्रोफेशनल लॉयर्स, जो अपनी मेहनत, अपनी मेरिट, अपनी एजुकेशन के बेस के ऊपर आगे आना चाहते थे,
वो भी लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे. दीज वर कॉल्ड मिडिल क्लास. और शायद रेवोल्यूशन इन्हीं मिडिल क्लास जो लोग हैं उनके कारण ही आया, क्योंकि इनमें से बहुत से फिलोसफर्स भी थे. अब आपको नेम याद रखने हैं फिलोसफर्स और उनकी बुक्स, कि कौन कौन से फिलोसफर्स थे और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी और उनकी एक एक लाइन में आइडियोलॉजी, एक एक लाइन में आपने उनकी आइडियोलॉजी बतानी है कि फिलोसफर्स की बुक्स और उनकी आइडियोलॉजी, यानी कि पूरी बुक का आपने एक लाइन में बताना है कि उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी. डिफरेंट फिलोसफर्स वर देयर, रूसो, ठीक है, देन जॉन लॉक, ठीक है, और क्या है, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, रूसो. रूसो ने कौन सी बुक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हु रोट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो. हु रोट टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक. देन हु रोट स्पिरिट्स ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू. ये तो अभी पहले इनके नाम याद रखो 1 मार्क के लिए. अब इनकी आइडियोलॉजी दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट पीरियड. स्पिरिट ऑफ लॉज. सो टाइम इज ओवर, आई एम गोइंग टू एंड. थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लर्न द क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर साइड बाय साइड फॉर योर टेस्ट.